नमस्कार, आप देख रहे हैं dilalantop.com और मैं हूं निखिल। हाल के दिन कश्मीर से आई दो खबरों के नाम रहे। पहली, भाजपा कश्मीर में 60 पंचायत सीटें निर्विरोध जीती, और दूसरी, अनंतनाग में पंचायत चुनाव लड़ रहे 30 प्रत्याशियों के नाम सोशल मीडिया पर लीक, सभी पुलिस प्रोटेक्शन में। ये दोनों खबरें जम्मू कश्मीर में बुरी तरह लड़खड़ाए हुए लोकतंत्र की बानगी हैं। ऐसे कहते हैं तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, सुनने में लफाजी जैसे लगते हैं, लेकिन वो यही रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने एक सूबे में पंचायत के चुनाव तक नहीं करवा पा रहा है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर लोगों में इतना डर है कि जो लोग चुनाव में खड़े हो भी रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके नाम पब्लिक हो, क्योंकि उन्हें डर है कि उग्रवादी उन्हें निशाना न बना ले। तो कोई रैली नहीं हो रही है, कोई प्रचार नहीं हो रहा है, और नामांकन के दौरान होने वाला जो चुनावी ड्रामा होता है, जो खेल तमाशा हमारे देश में होता है, वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन चुनाव हो रहा है। घाटी की दोनों बड़ी पार्टियों यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के बॉयकॉट की घोषणा के बावजूद, आसान भाषा में आज हम यही समझेंगे कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और क्यों बेहद ज़रूरी हैं। सवाल पहला, ये कौन से चुनाव हैं? पहले हम बता भी चुके हैं, चुनाव है जम्मू कश्मीर के 79 ग्राम और नगर पंचायतों के, टोटल 1145 सीटों पर कैंडिडेट्स चुने जाने हैं। सवाल दूसरा, कौन कौन लड़ रहा है इन चुनावों में? इसका जवाब थोड़ा घुमा कर देना पड़ेगा। संविधान की धारा 35A ये बताती है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा ये तय कर सकती है कि जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स कौन होते हैं। अंग्रेजी का शब्द है परमानेंट और रेसिडेंट। इसका अनुवाद आप चाहें तो मूल निवासी की तरह कर सकते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। अब ये जो परमानेंट रेसिडेंट्स होंगे जम्मू कश्मीर के, उन्हें दूसरों के बनिस्बत ज़्यादा सुविधाएँ मिलती हैं स्टेट्स में। फिलहाल इस धारा पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 से बचाव के नारे के साथ चुनाव से अलग हो चुके हैं। इनका ये मानना है कि घाटी के खराब माहौल में फिलहाल चुनाव नहीं होने चाहिए। तो बड़ी पार्टियों में बचे हैं बीजेपी और कांग्रेस। सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी चुनाव लड़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक घाटी की पार्टियों के चुनाव से बाहर रहने के चलते घाटी के तकरीबन 60% सीटों पर वोट डालने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि वहां या तो एक ही कैंडिडेट खड़ा होगा, जो कि चुनाव प्रक्रिया जब पूरी होने को होगी तब वो विजेता घोषित हो जाएगा क्योंकि उसका कोई ओपोनेंट नहीं है, या फिर कोई खड़ा नहीं होगा। जब हमने ये वीडियो शूट किया तो चुनाव के कुछ चरणों में पर्चा भरने और नाम वापसी का जो काम होता है वो पूरा हो गया था। इन्हीं चरणों में नगर पंचायतों के 60 ऐसे वार्ड थे जहां अकेला भाजपा कैंडिडेट खड़ा था, इसीलिए उसे ही विजेता घोषित कर दिया गया, जिस तरह की खबरें आपने पढ़ी होंगी। भाजपा, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, इन चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। उन्होंने हरकतुल मुजाहिदीन और JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से जुड़े रहे पूर्व उग्रवादी मोहम्मद फारूक खान को श्रीनगर से टिकट भी दिया है। खान अब एक NGO चलाते हैं। सवाल तीसरा, चुनाव आखिरी बार कब हुए थे? जवाब, पंचायत के चुनाव आखिरी बार 2011 में हुए थे और नगर पालिका के चुनाव 2005 में। 2005 में 48% वोट पड़े थे और 2011 में 80%, यानी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता चल रहा था, अलग अलग चुनाव थे। इन सारी पंचायतों का कार्यकाल जुलाई 2016 में खत्म हो गया था। सवाल चौथा, दोबारा चुनाव क्यों नहीं हुए? दोबारा चुनाव इसलिए नहीं हुए क्योंकि जुलाई 2016 में बुरहान बनी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारा गया और घाटी का माहौल बुरी तरह से बिगड़ा। पीडीपी भाजपा की सरकार ने दिसंबर 2017 में चुनाव करवाने की घोषणा की थी, लेकिन वो नहीं करवा पाए। पीडीपी बीजेपी की सरकार जब गिर गई और गवर्नर NN वोहरा का राज आ गया, जिनके जगह अब सत्यपाल मलिक हैं, तो उन्होंने पंचायत चुनाव करवाने का ऐलान किया था। सवाल पांचवा, इतने वक्त चुनाव नहीं हुए तो काम कैसे हुआ? एक शब्द में जवाब, नहीं हुआ। साफ सफाई और दीगर छोटे मोटे काम जो होते हैं, जैसे कि मोहल्ले की सड़क बनवाना, नाली खुदवाना, पंचायतों का काम होता है। जब वार्ड मेंबर, सरपंच या नगर पालिका अध्यक्ष नहीं होते हैं तो ये सारे काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो पैसा केंद्र और राज्य सरकार से आता है वो इनकी रजामंदी के बगैर, इनके सिग्नेचर्स के बगैर खर्च नहीं हो सकता है। फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, यानी जिसको कुछ लोग मनरेगा भी कहते हैं, जैसी कुछ सेंट्रल स्कीम्स हैं, केंद्रीय योजनाएं हैं, जिनका सारा काम ही पंचायत के थ्रू होता है। लद्दाख डिवीज़न पे आते हैं, जहाँ पे लेह और कारगिल ज़िला है, यहाँ पे कई काम हिल डेवलपमेंट काउंसिल के ज़रिए होते हैं। पंचायतों के जो सदस्य होते हैं उनका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन काउंसिल्स में होता है, यानी कि ये सदस्य काउंसिल में बैठते हैं। वो नहीं होते हैं तो काउंसिल का काम नहीं हो सकता है।
सबसे खास बात, काउंसिल पैसा खर्च नहीं कर सकता है। तो हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो बजट है वो भी लगातार लैप्स हो रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान है कि 14वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन में जो 4161 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की पंचायतों को मिलना था वो इसी वजह से नहीं मिल पाया क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। और नुकसान सिर्फ ऊपर से आए हुए पैसे का नहीं होता है, पंचायतों के न होने से जो लोकल टैक्सेस होते हैं उसके कलेक्शन पर भी फर्क पड़ता है, इसीलिए पंचायतों पर उनके काम पर दोहरी मार पड़ती है। सबसे खराब स्थिति है साफ सफाई की। राजधानी श्रीनगर देश के सबसे गंदे शहरों में से एक है इसी वजह से। सवाल छठवां, इस बार के चुनाव का कैलेंडर कैसा है? जवाब, 8 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 11 तक पहले चार चरण में नगर पंचायत के चुनाव होंगे 8, 10, 13 और 16 अक्टूबर को। इसके बाद 9 चरणों में ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे। अब ये सुन के हम सातवें सवाल पे आ जाते हैं जो आपके जहन में आ रहा होगा कि इतने सारे चरणों में वहां चुनाव क्यों हो रहा है। आपने इस बात पर ध्यान भी दिया होगा कि जम्मू कश्मीर में कुल जितने लोग हैं उससे 4 गुना के लगभग मध्य प्रदेश में हैं, उससे ज़्यादा और दूसरे राज्यों में हैं, लेकिन वहाँ पे पंचायत से लेकर विधानसभा और नगर पालिका से लेकर आम चुनाव तक एक चरण में निपट जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए सरकार को बहुत तगड़ा सुरक्षा बंदोबस्त करना होता है, फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, इसीलिए चुनाव बहुत छोटे छोटे चरणों में बांट दिया जाता है। सवाल आठवां, दिक्कत क्या है चुनावों में? सबसे बड़ी दिक्कत है डर। घाटी के सारे अलगाववादी गुट हमेशा चुनाव के खिलाफ रहे, लेकिन जैसा डर इस बार देखा जा रहा है वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। बुरहान मनी के जुलाई 2016 में मारे जाने के बाद से घाटी का माहौल खराब है। जनवरी 2018 में एक क्लिप वायरल हुई जिसमें एक उग्रवादी ये कहता सुना गया कि जो चुनाव में खड़ा होगा घर से बाहर घसीट कर उसकी आंखों में एसिड डाल दिया जाएगा। बताया गया कि ये आदमी घाटी के सबसे बड़े उग्रवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशनल कमांडर रियाज नाइकू था। फिर एक दूसरी बात है कि घाटी में अलगाववादी नैरेटिव के तहत चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेना भारत के आगे घुटने टेकने की तरह देखा जाता है। तो जैसे 1990 के दशक में चुनावी पार्टियां और उनका काडर उग्रवादियों के रडार पर रहते थे, वैसा ही कुछ इन दिनों भी नज़र आ रहा है। अक्टूबर 2017 में पीडीपी के मोहम्मद रमज़ान शेख की शोपियां में हत्या हो गई, सरपंच रहे थे रमज़ान। इसी की तरह और भी सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक आध मामले को अगर हम छोड़ देते हैं तो कभी मालूम नहीं चला कि हत्याएं करा कौन रहा था। तो न सिर्फ डर है बल्कि वो डर अज्ञात का भी है। अज्ञात का डर कई गुना दहशत पैदा करता है, तो पार्टीज को खड़े करने के लिए कैंडिडेट्स ही नहीं मिल रहे हैं। शायद इसीलिए घाटी के 172 वार्ड्स में कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ है कोई। 190 वार्ड ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है। 21 पंचायतों के बारे में ये कहा जा रहा है अभी से कि वहाँ पोलिंग लगभग असंभव है। इसने तय कर दिया है कि 2011 वाली बम्पर वोटिंग जो हमने देखी थी वो इस बार शायद नहीं हो पाएगी। सवाल नौवा, नाम लीक कैसे हो रहे हैं और फेसबुक पर इस्तीफे जो जिनकी बात चल रही है वो क्या है? नियम है कि पर्चा भरने की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद सारे कैंडिडेट्स के नाम जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके दफ्तर के बाहर एक लिस्ट पर चस्पा किए जाते हैं। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में हैजान और संबल जैसे कुछ इलाके के चुनाव अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है, इस तरह के ऑर्डर्स उनको दिए गए हैं कि किसी भी कैंडिडेट का नाम किसी शर्त पर लीक ना हो। फिर भी अनंतनाग की जो दोरू वेरीनाग नगर पंचायत है वहाँ चुनाव में खड़े 30 कैंडिडेट्स के नाम हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट हो गए। इनमें 17 कांग्रेस के थे और 13 भाजपा के। नाम के साथ पता और फ़ोन नंबर जैसी जानकारियाँ भी थी। इसके बाद एक भाजपा कैंडिडेट ने फेसबुक पर एक वीडियो डालकर खुद को राजनीति से दूर बता दिया है। फिलहाल सारे कैंडिडेट्स पुलिस प्रोटेक्शन में हैं। सवाल दसवां, नतीजे क्या हो सकते हैं? जवाब, पीडीपी और एनसी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए जो भी वोट पड़ेंगे वो बीजेपी और कांग्रेस में बटेंगे। घाटी में जो खासकर दक्षिण कश्मीर का इलाका है, उग्रवादियों के डर से आम लोग चुनाव प्रक्रिया से शायद दूर रहें, इसी बात की संभावना ज़्यादा है। तो कई बूथ ऐसे होंगे जहां पे सिर्फ जो कट्टर समर्थक होंगे या पार्टी कार्डर होंगे वो वोट डालेंगे। यहां जो पार्टी चुनाव से एन पहले अपने लोग बूथ पर ले जाने में कामयाब होगी वो आगे रहेगी। सवाल 11वां, और जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतनी सारी दिक्कतें हैं तो चुनाव करवाए ही क्यों जा रहे हैं? लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त होती है कि सत्ता में कौन रहे, इसमें लोगों को ऑप्शंस मिले। एक का काम अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आपको चांस मिलना चाहिए कि आप दूसरे को चुन सकें, और यही चांस आता है चुनाव से। नियमित अंतराल पर अगर फेयर और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो
तो ये नहीं कहा जा सकता कि लोक का राज है माने कि लोकतंत्र है। भारत दुनिया के कामयाब लोकतंत्रों में चूंकि गिना जाता है, इसीलिए भारत सरकार हर कीमत पर देश के हर कोने में चुनाव करवाती है। जम्मू कश्मीर में जहां जहां अलगाववाद है वो भारत के सिस्टम को चुनौती है, इसीलिए वहां के चुनाव भारत सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होते हैं कि यहां पास तो सब जगह पास। कमेंट बॉक्स में हम लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और इसे शेयर भी करते रहिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप हमारे सारे वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और नया अपडेट है, अब हमारा ऐप भी आ गया है, इसे डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस ऐप में कुछ सुधार की गुंजाइश है तो हमें लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।